आपके भाई का शोल्डर इंजरीज की वजह से आपका भाई जिम नहीं जा सकता है। थोड़ा गाड़ी को साफ करना भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, उसके सिवाय क्या होगा। फिर आप सिर्फ वीडियो देखते रहो, लाइक भी करो यार, कमेंट तो कल की वीडियो में कुछ आए भी नहीं, तब भी मैं कर रहा हूँ ना, करो कमेंट करो। जो भी आपको इधर दिख रहा है ना, पूरी पापा की स्कूल है, मतलब पापा इधर प्रिंसिपल है, तो वहाँ पे ऐसी स्कूल है उनके, देख लो। और इधर बहुत ही मस्त क्लाइमेट है, इतना ठंडी हवा है और ऊपर से इधर बारिश भी गिर रही है अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आई थिंक, हाँ मतलब बचपन से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड तक इधर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो आपको दिखाता हूँ जगह कैसी है। एक मिनट रुको, अभी ये तो चेंज हो गए, लेकिन ऐसे ही इधर पहले मुर्गियों का पूरा फार्म था, यहाँ पर अंडे देने के बहुत चीज़ें थी, यहाँ पर हम झूला खेलने गए, यहाँ पर एक जन मतलब एक बड़े भैया रहने के नहीं क्या, तो इधर हम खेलने को जाने के, इधर बाद में ही अच्छा से एक नज़र आप देख लो। जो जगह आपको दिख रही है ना, इधर गणेश उत्सव होने का मतलब एक मंडप और बहुत कुछ चीज़ें थी यार। इधर तो अभी बहुत सारे पेड़ निकल गए, इधर इच्छा होने की तो खटिया मराठी में बोलते हैं ना खाट, वो डाल के उधर बैठ के हम लूडो खेलने के, जो कि गांव वाला लूडो रहते नहीं क्या, वैसा वाला। ये जगह बहुत यूनिक है, ऐसे देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और हम इधर रहने के वाली जगह देखने आते थे, एक मिनट दिखा दो, ये दिख रहा है क्या, इधर ये घर था और इधर हम रहने के, ये हमारे पड़ोसी थे इसलिए इनके पास मिलने को आए, ऐसा विषय। इधर पहले ये पेड़ पूरा, इधर एक अंजीर का पेड़ था, अभी आई डोंट, हाँ ये वाला अंजीर का पेड़ था, लेकिन वो टूट गया, हम ऊपर चढ़ के अंजीर तोड़ने गए। विषय ऐसा है कि मेमोरीज़ के लिए हमें ये करना पड़ता है। आई नो व्लॉग थोड़ा बोरिंग है, लेकिन वो मेरे मेमोरीज़ के लिए कर रहा हूँ मैं अभी आज का। तो आई नो मेरी हिंदी आज थोड़ी, लेकिन कैसा है दोस्तों, जब ऐसी जगह देखते हैं ना तो नहीं होता रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं क्या होता है। लगभग चौथी तेरह साल बाद इधर आया हूँ मैं, 13 साल बाद, इसलिए बहुत कुछ चेंजेस भी आ चुके हैं, लेकिन बहुत यूनिक है रे। और इधर फर्स्ट टाइम हमने दही हांडी की थी यहाँ पर। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमरे सब सब के हो जाए आना, कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी सभी को तुम ही समझाना, अभी अभी तो बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलिया, बसाओ तेरे संग में अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी रोम मेरा लिख दे, मैं जियो जब जब तेरा दिल धड़क, तुझसे मेरा जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राह तुझसे, मेरी चाह तुझसे, मुझे बस यही रह जाना। दोस्तों मेरे नूप सिंगिंग के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आज मैं आपको जैसा चाहिए वैसा कंटेंट नहीं दे सका, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि विषय ऐसा था, आज हमारा प्लान था कुछ और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हुई। जैसे कि देखो, अभी हमें जाना था एक प्रोग्राम में, मैं नाम नहीं लूंगा क्या था, प्रोग्राम में जाना था, तो कॉल किया उनको, बोले हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है दोस्तों, तो आप जल्दी से फुर्सत में घर निकल जाओ, क्योंकि आके कुछ फायदा नहीं, हम भी निकलने वाले, ऐसा विषय हुआ था। सुना उसके बाद सुनो, हमने सोचा अभी इधर गांव के सामने एक रिश्तेदार है तो उधर जाते, उधर गए, उधर के लोग भी घर पे नहीं थे, वो नासिक को थे खाना पानी कुछ हुआ नहीं था हमारा। बाद में देवड़ा गाँव है वहां पर गए, वहां पर हमें दो जनों के बाद जाना था, क्योंकि वो हमारा होम टाउन था। एक्चुअली मैं उधर बचपन से लेके चौथी तक
बड़ा हुआ वो, तो वहां पर जो नेबर्स थे उनके पास गया, तो उनके इधर भी सब बारिश गिरी थी तो इसलिए वो खेती में गई थी, थोड़ा सा समझ सकते हो ना, तो उधर भी पोपट हो गया। उसके बाद फिर घर मालक उनके पास गए, उनके पास क्यों मिलने को गए थे, वो भी घर पे नहीं। चांदवड़ा होटल इधर आए थे खाना खाने को, लेकिन इधर 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 का खाना भी इतना अच्छा नहीं था, तब भी हमने खाया। और खाने के बाद अभी हम घर निकलने वाले, नासिक यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं आई होप सो आपको व्लॉग पसंद नहीं आया होगा, तो नहीं आया तो इसलिए डिसलाइक भी कर सकते हो आप, कोई हरकत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो आपको व्लॉग पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, जय हिंद।